जिंदगी में कहीं पहुंचने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए एंड टू रीच आउट अ गोल इन लाइफ, आदमी को ना जख्म चाहिए, जख्म दर्द चाहिए इंसान को। बेसिक चीज जो इंसान को डिस्टिंग्विश करती है, इनकलाबी बनाती है, वो है कि वो माशरे का हिस्सा नहीं बन पा रहा होता, किसी स्टैंडर्ड के, डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ जुड़ नहीं पा रहा होता, और ही इज उसका पेन, उसका गम, उसकी मुगायरत माशरे से बहुत डिफरेंट होती है। ये बेसिक फैक्टर होते हैं कि उसका जख्म, उसका दुख, उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी कंपाइलेशन जिंदगी की ऐसी होती है कि वो आम इंसानों की तरह जिंदगी जी नहीं पा रहा होता। ये ड्राइविंग फैक्टर होता है उसका, जिसके तहत इंसान जो है वो घर छोड़ता है, माशरा छोड़ता है, बरादरी छोड़ता है, कबीला छोड़ता है, अपनी कन्वीनियंसेस छोड़ता है, अपनी सहूलत छोड़ता है, अपना सुख चैन छोड़ता है, अपनी जुबान छोड़ता है, इलाका छोड़ता है अपना। और ग्रूमिंग और ग्राइंडिंग का एक बहुत बड़ा पहलू तरबियत का घर छोड़ना है, आगोश छोड़नी है अपने बड़ों की। जितने भी बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं, अल्लाह ने उनको हिजरतें करवाई हैं, क्योंकि ये इंसान के अंदर जो एक नफ्सियात बिल्ड होती है ना, वो तोड़ती है जो नफ्सियात एक आदमी को आगे लड़ने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए, दुनिया में कुछ इस्टैब्लिश कराने के लिए, अल्लाह की बात भी इस्टैब्लिश कराने के लिए जो दम चाहिए ना, वो कभी भी बाप दादों की सिस्टम्स की सहूलियात से नहीं मिल सकता। उस आदमी में इतनी जान ही नहीं होगी जिसके पीछे लोग खड़े हों। आदमी में हुसन और निखार तब पैदा होता है जब वो बाहर निकलता है, ऐसे डोमेन के अंदर जहां उसके साथ कोई नहीं खड़ा हो, तब कुंडियां खुलती हैं उसकी। मैं ताकत की, सहूलियात की, पावर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बस्ततुन फिल इल्मी वल जिस्मी, अल्लाह कुरान में कहता है जिस्म भी हो, जान भी हो, ताकत भी हो, इल्म भी हो, तो ये तो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोसाइटी। लेकिन हर इंसान को जो राज मिलते हैं ना इल्म के, जो इल्म के राज मिलते हैं, जो इल्म के मोती मिलते हैं, जो प्रोफंडिटी मिलती है, जो डेप्थ मिलती है उसको, कभी भी वो मिलती ही तन्हाइयों में, वो मिलती ही अंधेरों में, अंधेरे में ही सबसे जबरदस्त रोशनियां मिलती हैं आपको। तो ये गम और ये ड्राइव जो है ना, इंसान को लाजिम चाहिए होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में इतना गम था, लोगों को पता ही नहीं था, लोग समझ भी नहीं सकते थे, लेकिन आप हसास थे, आप माशरे की हर रीत रिवाज को देख के, आपकी फितरत सलीमा उस टाइम पर चीख रही थी अंदर से, और आप कबूल नहीं कर पा रहे थे, आप फिट नहीं हो पा रहे थे सिस्टम में, आप कहना चाह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। ये बड़े जुमले हैं जो लोगों ने अंदर तो रखे मन में, लेकिन जुबान पे नहीं लाए कि ये ठीक नहीं हो रहा, दिस इज नॉट राइट, समथिंग इज रॉन्ग, इधर समथिंग इज रॉन्ग विद, इनके साथ कुछ गलत है। तो जब इंसान तन्हाइयों में निकलता है, अकेलों में अपने सफर का तायुन करता है, अपने बाप दादा की सहूलियात को छोड़ता है, घर की सहूलियात को छोड़ता है, फैमिली के कंफर्ट जोन को छोड़ता है, तब आटे दाल का भाव पता चलता है उसको कि औकात क्या है उसकी।